लाइट भी आ गई, फोन भी हो रहा है, पानी भी आ गया, टावर भी नहीं था वो भी आ गया, टावर भी नहीं थी टावर भी आ गया, लास्ट लाइट बगैर सब कुछ देकर जा रहे हो। बेटी जा यूं गोला गुंडो जोमा खेल के सयानु वे ग्वाया लागेनी जे डांडियाली जे चौक जो बाटो आणु जानु रे तू गढ़वाल में छू मैं फेमस माऊ बाई स्टार गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो आज भी मैं फिर से आ रखा हूँ भाई गाय को पहुँचाने के लिए, क्योंकि आज मेरी भाई गाय हगाने की बारी थी। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे क्या अल्टीमेट नज़ारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ताऊ जी आए हैं और दादी जी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं गाय को और यहाँ से आके भाई अपने आप चलते हैं गाय, और शाम को आते हैं। तो इसी बीच मिलाते हैं हम अपने ताऊ जी से आपको। तो इसी बीच यहाँ पे ताऊ जी भी गाय हगाने पहुँचे हैं। तो कहाँ तक ले पहुँचा रहे हो ताऊ जी? मैं इधर ही छोड़ देंगे, जंगल आ गए यहाँ से। अच्छा, बस यहाँ से आगे जाएंगे ये। फिर शाम को अपना आ जाते हैं इधर। इधर आपको बाघ भूख का डर नहीं है इधर? क्या बाघ तो होता है, पर कौन जाए गाय के साथ। अच्छा, मतलब ये मतलब पुराने जमाने में जब गाय हगाने के लिए लोग जाते थे, आप क्यों नहीं जाते हैं? अब सब कलयुग आ गया है, अब कहाँ जाएंगे ये लोग। अच्छा, वीआईपी हो गए, मतलब हो गए। अच्छा अच्छा, यहीं से छोड़ दिया अपना। आप जो इतना आएंगे जितना नहीं आएंगे शाम को। अच्छा, वो भगवान तो बांध देंगे, बाकी बाहर भगवान भरोसे ही रह गए। अच्छा, तो इसी बीच अभी मेरी दादी है यहाँ पे, बहुत पुरानी दादी यहाँ पे, इनका मकान यहीं पे है जंगल के बिल्कुल सामने से। तो इनसे मिलाते हैं। वो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग्स में। अच्छा, स्वागत। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? कटिंग लगाई है। अच्छा, कटिंग कर रही हूँ और घास काट रहा हूँ। एक बछड़ी है। अच्छा, बुढ़ापा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? आपकी उम्र है मेरी 65। अच्छा, तो तब से बचपन से यहीं पे रह रहे हो आप? बचपन से यहीं रहती हूँ मैं। अच्छा, उम्र? उम्र मेरी इतनी हो गई है, जब से मैं अलग हुआ तब से मैंने जेवन यहीं बिताई। अच्छा, गाय भैंस सब इस जंगल में पाला मैंने। अच्छा, और अभी भी एक गाय रखी है, अभी भी घास खा रहा हूँ मैं बाउंड्री भी। अच्छा, ये बाउंड्री आपकी है, मतलब पूरा जंगल के बगल पे सब मेरी है ये, यहाँ से जंगल से सब बैठ। अच्छा, यहाँ खेती बाड़ी क्या क्या लगा रखा आपने पीछे? खेती बाड़ी में सुहा लगाई है, मटवा लगाई है, कटकी लगाई है, आलू लगाई है, छिमा बोई है, और एकदम प्योर पहाड़ी चीजें लगाई है आपने। प्योर पहाड़ी क्या है, ये कड़ी कड़ी है प्योर पहाड़ी तो। अच्छा, और बुढ़ावा हो गया है, अब काम भी नहीं कर सकती हूँ, और बच्चे बाहर हैं। अच्छा, अब ये तो पहाड़ पहाड़ का सीजन है क्या? ये पहाड़ पहाड़ का चीज है। तो ये हर पूरे पहाड़ की समस्या है, सबके बच्चे नीचे रहते हैं, माँ बाबू को घर में रख देते हैं। माँ बाबू को घर में रख देते हैं। अच्छा, तो आप इतने जंगल में रहते हो और यहाँ पे बाघ भूख का डर नहीं रहता है? ना ना, कुछ डर भय कुछ नहीं, मतलब पुराने लोग हैं बिल्कुल। पुराने लोग हैं हम। अच्छा, और हमारी को डर भय कोई नहीं है। जो आता है उसको चाय खाओ, रोटी खाओ। हाँ, वो मैं भी देखते रहता हूँ ना, जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पे रहती। तो आपने रहती है। अच्छा, आपने जिंदगी में ना कितना बदलाव देखा, मतलब इस गांव को कितने बदलते हुए देखा आपने? जिंदगी बहुत बदला है मेरी, दो पीढ़ तीन पीढ़, और अमर पितरों की पीढ़ है, और मेरी पीढ़ है, बच्चों की पीढ़ है, अब नदी की पीढ़ होगी। अच्छा, पहले तो यहाँ लाइट भी नहीं थी, अब तो लाइट भी आ गई, रोड भी नहीं थी, रोड भी आ गई, लाइट भी आ गई, अब फोन भी हो रहा है, पानी भी आ गया, टावर भी नहीं था वो भी आ गया, टावर भी नहीं थी टावर भी आ गया, लास्ट लाइट बगैर सब कुछ देकर जा रहे हो। ठीक है, धन्यवाद, आपने मेरे ब्लॉग्स में समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सो गाइस वहाँ पे देखा आपने दादी जी किस प्रकार से बोल रही थी, क्योंकि भाई बूढ़े लोगों ने बड़ी मुश्किल से टायर टावर बिजली लाइट इन चीज़ों को देखा है भाई। हमारा तो ज़माना है लेकिन बूढ़े लोगों ने देखा नहीं, तो ये बात है। तो अभी मैं आ रखा हूँ भाई वहाँ से आकर के अपने खेत में, यहाँ पे अभी पौधे लगा रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ यहाँ पे पौधे लगा के फिर घर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है आज के दिन। तो मिलते हैं दोस्तों आगे, और बने रहें शोभनानंद ब्लॉग्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें शोभनानंद चैनल को। सो गाइस आज दिन में खाना खाने के बाद भाई आज पूरी दिन बारिश है, आप देख सकते हो तगड़ा मौसम बना है यहाँ पे है। उसके बाद सो गए, अब मैं चल रहा हूँ भाई थोड़ा सा गांव की तरफ काम घूमने के लिए, क्योंकि बारिश में घर बैठ बैठ के क्या करें, थोड़ा सा गांव में मिलजुल के लोगों के साथ थोड़ा मार्केट में भी देख के आते हैं फिर भाई यहाँ पे सब। आज मैंने भाई पूरी वीडियो मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग की है, और कैसी लगी मेरी वीडियो आज आप बताना ज़रूर, क्योंकि भाई मोबाइल से भी अच्छी बन रही है शायद मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी देखना आप। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ, जहाँ तक हो सके भाई शेयर करने की कोशिश करना, और सब्सक्राइब जरूर करो जो लोग नए आ रखे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई देख रहे हैं, और मिलते हैं कल भाई नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।